रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज की वीडियो में हम पेंशन के नए निज़ाम के ऊपर बात करेंगे। पेंशन का मौजूदा निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया है और नया निज़ाम जो है वो लागू हो गया है। कौन से मुलाज़मीन के ऊपर नया निज़ाम लागू होगा, क्या पुराने मुलाज़मीन जो हैं उनकी पेंशन जो है वो नया सिस्टम आने से ख़त्म हो जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको जो है वो क्लेरिफाई कर दिया है और इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और हम आपके साथ जो है वो नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस किस्म की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। अब चलते हैं हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हैबा पख्तूनख्वा वो पहला सूबा बन चुका है जिसने सीपी फंड को जो है अपने सूबे के अंदर लागू कर दिया है और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हैबा पख्तूनख्वा ने सीपी फंड कंट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो 2022 जो है वो जारी कर दी है और इसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 21/9/2022 को इसका नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया है। और इसमें वो कहते हैं कि आई एम डायरेक्टर टू रेफर टू द अबव कैप्शन सब्जेक्ट एंड स्टेट दैट गवर्नमेंट ऑफ हैबा पख्तूनख्वा हैज़ लॉन्च ए न्यू कंट्रीब्यूटरी बेस्ड पेंशन स्कीम फॉर इट्स सिविल सर्वेंट ज्वाइनिंग सर्विस ऑन और आफ्टर 1/7/2022। इसमें वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ हैबा पख्तूनख्वा ने न्यू कंट्रीब्यूटरी फंड जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया है सरकारी मुलाजमीन के लिए जो एक साथ यानी 1 जुलाई 2022 के बाद रिक्रूट होंगे। स्कीम के तहत एम्प्लॉयज़ विल बी कंट्रीब्यूटेड एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर रनिंग बेसिक पे एज अ कंट्रीब्यूटर टू वर्ड देयर पेंशन। इसमें वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस स्कीम के तहत अपनी बेसिक का कुछ हिस्सा जो है वो अपनी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ हैबा पख्तूनख्वा जो है वो कंट्रीब्यूटर फंड के अंदर जो है वो सेम या उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो रनिंग बेसिक पे की कंट्रीब्यूट करेगी। दिस फंड जनरेटेड थ्रू दिस स्कीम शेल फॉरवर्ड टू बी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज डिफाइंड अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जो फंड जनरेट होगा और उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा जो जिसकी डेफिनेशन जो है वो SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल 2005 के अंदर डिफाइन है। In this regard, the provisional government has already invoked Section 19 of Civil Service Act 1973. और हुकूमत हैबा पख्तूनख्वा ने सेक्शन 19 जो है वो सिविल सर्वेंट का जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है उसको इन्वेक्ट कर दिया यानी उसको मुअत्तल कर दिया है और हैबा पख्तूनख्वा जो है वो उसको कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है उसको जारी करने का कह दिया गया है, वो जारी हो गई है। फॉर डिडक्शन फ्राम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वेजेस टाइप 3541 पेंशन KP 2022 एंड एडजस्टमेंट 5364 एडजस्टमेंट DCPN इज कन्फिगर्ड इन द सिस्टम विच इज़ लिंक्ड विद GL अकाउंट्स कंट्रीब्यूटेड प्रोविडेंट। दिस GL विल बी क्रेडिटेड बाई क्रेडिट इन टोटल बैलेंस इंक्लूडिंग बोथ एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रपोज डेटा कलेक्शन फ्राम इज अटैच। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने एक कोड जो है वो असाइन कर दिया है जो CP फंड की जो आपकी अमाउंट होगी उसको डिटेक्ट करेगा और इसके अलावा एक GL अकाउंट मेंटेन होगा कंट्रीब्यूटेड प्रोविडेंट फंड का जो आपके मंथली जो बैलेंस है कि जितना आपने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया और आपका एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट ऑफ KPKN ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो दोनों जो है वो पोर्शन मेंशन होंगे। In this regard, it is requested that arrangement may be made for the deduction from the pay employees appointed on or after 1/7/2022 with effect from 1st July 2022 and onward. इसमें वो कह रहे हैं कि इस किस्म की डिडक्शन जो है उसके लिए जो है वो अरेंजमेंट्स किए जाएं और जो 1/7/2022 के बाद रिक्रूट होंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट टीम विल बी अवेलेबल टू कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी तमाम सर्विसेज जो है और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा। ये स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उन्होंने ये लेटर को साइन किया है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। वेलकम सोन इंशाल्लाह मोर। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर आस। थैंक यू।